आपने नए फ्लर्ट COVID-19 वेरिएंट्स के बारे में तो हमसे सुना होगा। अब ये वायरस इंडिया में भी आ गया है। महाराष्ट्र में 91 केसेस रिकॉर्ड हुए थे ऑफ द न्यू फ्लर्ट COVID-19 वेरिएंट। अब एक्सपर्ट का कहना है कि इस पर ज़्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है। फ्लर्ट में मेनली इंक्लूड होता है KP1.1 और KP2 स्ट्रेन्स। मार्च और अप्रैल में जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चला कि महाराष्ट्र में 91 केसेस हैं ऑफ KP2, जहां पुणे में 51, थाने में 20, अमरावती में 7, औरंगाबाद में 7, सोलापुर में 2, अहमदनगर में 1, नासिक में 1, लातूर में 1 और सांगली में 1 केस पाया गया। डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा का यह कहना है कि जो हम करंटली देख रहे हैं वो है अ रिजल्ट ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग फॉर द लास्ट 2 मंथ्स जो हुआ था इन मार्च एंड अप्रैल। इसीलिए कोई कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है आउट ऑफ दैट 91 केसेस, नॉट इवन अ सिंगल डेथ या हॉस्पिटलाइजेशन या सीवियर डिजीज रिपोर्ट हुई है हॉस्पिटल में। अब पॉजिटिविटी टेस्ट जो है इट इज़ अराउंड 1%। डॉक्टर राजेश कार्यकर्ता का यह कहना है कि KP2 एक प्रीडोमिनेंट COVID-19 स्ट्रेन है इन द स्टेट, लेकिन केसेस और हॉस्पिटलाइजेशन में कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। फ्लर्ट वेरिएंट्स आते हैं फ्रॉम ओमिक्रॉन वेरिएंट। KP2 सबसे पहले जनवरी में आइडेंटिफाई हुआ था। ये ओमिक्रॉन के JN1 के फैमिली को बिलोंग करता है। अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम द US सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, KP2 से 25% न्यू सीक्वेंस केस देखने को मिले हैं इन द लास्ट वीक्स ऑफ अप्रैल। सिमिलर टू प्रीवियस वेरियंट्स, इसमें सिम्टम्स जो इंक्लूड होते हैं वो है सोर थ्रोट, रनी नोज, कंजेशन, टायर्डनेस, फीवर, हेडेक, मसल पेन एंड समटाइम्स लॉस ऑफ टेस्ट या स्मेल। इन्फेक्शस डिजीज यूनाइजन मेडिकेयर एंड रिसर्च सेंटर मुंबई के डॉक्टर गिलाड़ा का ये कहना है कि इस डिजीज को फ्लू की तरह कंसिडर करना चाहिए और हम बुलाएंगे इसे कोवी फ्लू। ऑल्दो वेरिएंट काफ़ी प्रोमिनेंट है नंबर्स, लेकिन कोई डिमांड इंक्रीज नहीं हुई है फॉर ऑक्सीजन बेड्स, ICUs या वेंटिलेटर्स एंड ऑल्सो डेथ्स। तो हमें ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए और फोकस करना चाहिए ऑन अदर इमर्जिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स। क्या कहना आपका इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हेल्थ लाइफ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।